एक मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में पूंजीपतियों की संयुक्त ताकत के खिलाफ संगठित मजदूर वर्ग की जीत को याद किया जाता है। एक मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाने से पहले इस दिन को प्राचीन काल से पश्चिमी दुनिया में ऐतिहासिक रूप से मनाया जाता रहा है। एक मई का दिन गर्मियों की शुरुआत को चिन्हित करने वाला था और ये मिट्टी की उर्वरता और प्रकृति के साथ मनुष्य के संबंधों का जश्न मनाने का समय माना जाता था। संगठित धर्मों के विकास के साथ मई दिवस का संबंध प्रकृति से टूट गया। हालांकि यह यूरोप के साथ साथ उत्तरी अमेरिका में भी मनाया जाता रहा। भारत में बैसाखी के उत्सव को इसी तरह से देखा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस का इतिहास शिकागो के हे मार्केट अफेयर से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में 1886 में श्रमिकों ने देश के सभी औद्योगिक केंद्रों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर पूरी तरह से बंद कर दिया। उस दिन दुनिया को 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन का नारा मिला। 8 घंटे के दिन के लिए पहली संगठित मांग ऑस्ट्रेलिया में श्रमिकों द्वारा 1856 में की गई थी। भारत में भी 1862 में हावड़ा स्टेशन पर 1000 से अधिक रेलवे कर्मचारी 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। अमेरिका में 1860 के दशक में संगठित श्रमिकों ने उग्र संघर्ष से 8 घंटे के कार्य दिवस को सामान्य बनाने की मांग की, जिससे ओवरटाइम के लिए अतिरिक्त भुगतान के लिए एक कानून भी लाया गया। 1 मई 1886 को शिकागो अमेरिका में श्रमिकों ने शहर को रोक दिया। अनुमानित 3.8 लाख श्रमिकों ने उस दिन इस विशिष्ट मांग के लिए मार्च किया। अलग अलग देशों में हड़तालें और कारखानों पर कब्जे हुए। 3 दिन बाद अल्बर्ट पार्सन्स, अगस्त स्पाइस और सैमुअल फिल्डेन की अगुवाई में शहर के हे मार्केट स्क्वायर में 3000 कार्यकर्ताओं की भीड़ पर पिंकरटन एजेंसी के किराए के गुंडों द्वारा हमला किया गया और पुलिस द्वारा तितर बितर कर दिया गया। फायरिंग के कारण 6 जाने गईं और मजदूरों के यूनियनों पर कई महीनों तक दमन जारी रहा। इसी समय श्रमिकों के संघर्ष के द्वारा कई देशों में बुनियादी श्रम अधिकारों की रक्षा के लिए प्रगतिशील कानून लाए गए। भारत में पहली बार 1923 में 1 मई को कम्युनिस्ट नेता मलेपुरम सिंगारवेलु के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। मई दिवस समारोह से पहले सिंगारवेलु ने 1918 में भारत में पहला ट्रेड यूनियन भी स्थापित किया था। अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआती दिनों में सिंगारवेलु भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन बाद में उससे अलग हो गए और भारत कम्युनिस्ट पार्टी के से जुड़ गए। उन्होंने 1925 में कानपुर में सीपीआई के पहले सम्मेलन की अध्यक्षता की। अपने पूरे जीवन में सिंगारवेलु ने जाति के विनाश की दिशा में भी काम किया और पेरियार की आत्मसम्मान आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे। आज नवउदारवादी पूंजीवाद के समय में भारत और विश्व स्तर पर श्रमिक आंदोलन के संघर्षों से जीते गए अधिकार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। 8 घंटे के कार्य दिवस की मांग फिर से प्रासंगिक हो गई है। भारत में अधिकांश श्रमिकों के लिए 8 घंटे का कार्य दिवस वास्तव में एक मिथक बनकर रह गया है। दूसरी ओर कोविड-19 महामारी के दौरान देश भर में विभिन्न राज्य सरकारों ने औपचारिक रूप से कार्य दिवस को 12 घंटे तक बढ़ा दिया है। आज हम हे मार्केट के शहीदों के संघर्ष को याद करते हैं। हम मलयपुरम सिंगारवेलु को याद करते हैं, क्योंकि समय आ गया है कि इस देश के मेहनतकश लोगों के गरिमापूर्ण जीवन के लिए नए सिरे से संघर्ष किया जाए।